विधायक और पूर्वतन विधायक को हत्या कले माओवादी आंध्र प्रदेश जने विधायक आउ जने पूर्वतन विधायक को गुली माओवादी माने हत्या करिसेंती। मालकानगिरी जिलार सीमांत आंध्र आरकु विधायक केदार नागेश्वर और पूर्वतन विधायक समू को गुली करी हत्या करिसेंती माओवादी। आंध्र प्रदेश डुबुरीगुड़ा एक ग्राम सभा जोग देते विधायक यही समय किसी सशस्त्र माओवादी आसी गुड़ चलाते घटनास्थल ही दुईज जाक टी पड़ते माओवादी मैंने विधायकों व्यक्तिगत सहायक को गुड़ हत्या करिसेंती। मालकानगिरी सीमांत अमानुषिक कांड माओवादी मैंने घटाई। बलांगीर जिला पटनागट ब्लक टेणापतर गांव में आज बिलर काम कर घर को फेरुवा समय जड़े युवती बीज रास्त छुरामाड़ होता अभोग युवती जनक पटनागट अंतर्गत टेणापतर गांव विद्या महालिंगर झील लक्ष्मी महालिंग जमापड़ स्थानीय लोकों सहायत में गुरुतर अवस्था उद्धार करटनागड़ हस्पिटाल भर्ती कर बलांगीर मुख्य चिकित्सा नहीं छाती में अधिक छुरागत होता फल अवस्था संकटपूर्ण होता बुर्ला मेडिकल को पठाई। तेज घटना पर छुरामार कर अभियुक्त वृंदावन बरिया निज बाइक रे फेरार होगा समय रे रास्ता रे बस गाड़ी रे पिटी हो तले पड़ा फल अभियुक्त को काबू कर बलांगीर रेलवे स्टेशन रे जने यात्री राति 12टा बेले भूल रे अन्य एक ट्रेन रे चढ़ी जाई पुणि ओल्लैवा को चेष्टा करुवा बेले ट्रेन चका तले पड़ जाई मृत्युबरण करिसेंती। खबर अनुसार राति प्राय 11टा बेले अमरजीत और तांकर जने बंधु नरेन्द्र रायपुर जीवाई बलांगीर स्टेशन रे पहुंचीले किंतु से ही समय प्राय 5 घंटा विलंब रे बलांगीर पहुंचा दुर्गपुरी स्टेशन छाड़ुवा बेले उभय बंधु भूल रे से ट्रेन को चढ़ी जाइथिले किंतु ट्रेन टी रायपुर पट को नजाई संबलपुर पट को जीवा देखी से पुणी ओल्लैवा को चेष्टा करते मात्र चलती ट्रेन में भारसाम्य हर चका तले पड़ जाते अमरजित एमरजित उभय गोड़ और आंठू तलू कटि मृत्यु होता। भद्रकर नूतन रेलवे स्टेशन बिल्डिंग और फुट ओवरब्रिज उद्घाटन होती मुख्य अतिथि भाव मान्यवर केन्द्रमंत्री जोयलराम धामनगर पूर्वतन बीजेपी विधायक विष्णु सेठी पूर्वतन मंत्री मनमोहन सामल डीआरएम श्री बीएम अग्रवाल योगदान देते। भद्रक रेलवे स्टेशन उपर निर्भर करुवा जनसाधारण और रेलवे यात्री मानों पर बहुदिन आशा पूरण हो पारी। बड़बापर टांगिया चोटे पुतुरा गुरुतर एभली अभावनीय घटना घटी छेंडीपदा डाक्तरखाना बसंतपुर गांव में जमीवाड़ी विवाद को नहीं बड़बापर टांगिया चोटे पुतुरा गुरुतर आहत होती। छेंडीपदा बसंतपुर गांव कैलाश चंद्र देहरी पुओ प्रताप देहरी और लोचन देहरी घर मुहरें बस मोबाइल देखुवा बेले बड़बापा अर्जुना देहरी आसी हठात एक टांगिया अतर्कित भाव प्रतापर मुंड को चोट पर चोट बसाई यह देखि प्रतापर पड़सा लोक मैंने पार्टी करवर बड़बापा अर्जुना देहरी घटनास्थल दौड़ी पलिता अर्जुनार टांगिया चोटे प्रताप सहित बस मोबाइल देखुवा लोचन आहत होते। ग्रामवासी ने प्रताप लोचन को तुरंत एक मोटरसाइकिल छेंडीपदा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को भर्ती कर चिकित्सा कराइले प्रतापर पिठी से सामान्य आघात लगता बेले मुंडे गभीर आघात लगी। जाजपुर सहर संस्कृति भवन ठारे हिंदी दिवस पालन हो हिंदी विशारद डॉक्टर रवींद्र शतपथी सभापतित्व में दिवस में ओडिशार विशिष्ट हिंदी विशारद मैंने अतिथि भाव जोगदे अवसर में हिंदी आधारित एक पुस्तक उन्मोचन करापर कृति छात्र छात्री मानक पुरस्कार वितरण कर दिवस में बहु स्कूल छात्र छात्री मैंने जोगदे सहित बहु ज्ञानी गुणी मैंने उपस्थित थे। कलाहांडी दादनर दुखर अंत घटनी गत 4 दिन तेज़ कलमपुर ब्लक पाणिगांव जन युवक बड़पूजारी बांगलोर रेल स्टेशन में दुर्घटना घटे मृत्यु होता बेले तार शव घर को पहुंच ना बेले पुणी जड़े दादनर शव घर को फेर जमापड़ी। कोक्सरा ब्लक माझीगुड़ा गांव गणपति ठेला एकम्र पु जयशंकर ठेलार हाइद्राबाद मेधव जिला रामायण पेटार केएनबी नामक एक ठिका संस्था काम करुवा बेले दुर्घटन में मृत्यु होता जमापड़ी। तेज मृत दादनर शव गांव को फेरुवा बेले कांद बबल में गांव दंड फाटी पड़ी। कोक्सर आग जुगरे भारतीय डाक विभाग को कहले खाली चिट्ठी पत्र कार्य को ही बुझाऊते किंतु एवं यह चिट्ठी पत्र सीमित ना सरकार डाक विभाग को नूतनकरण कर विभिन्न जनकल्याण योजन सामिल करती योजना को साधारण जनता पाखे किपर पहुंच पार तथा डाकघर विभिन्न योजना किपर लाभवान देव ता विषय एक रैली कर गांव परिक्रमा कर स्लोगान मध्यम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्लास्टिक मुक्त सुकन्या योजना डाक बीमा योजना भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक विषय में सचेतनता करते किपर तृणमूल पर्यंत लोकों पाखे डाक विभाग योजना पहुंच पार से विषय आलोचना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव जिला डाक सुपरिटेंडेंट पद्मनाभ दास डाक निरीक्षक धर्मगढ़ सुशांत कुमार विशी सब पोस्टमास्टर प्रवीण कुमार राउत चारभल सरपंच पंकज कुमार नायक जशवंत तथा धर्मगढ़ सब डिविजन समस्त पोस्ट कर्मचारी उपस्थित थे।
समग्र राज्य में बेसरकारी स्कूल कॉलेज अध्यापक अध्यापिका शिक्षक शिक्षयित्री तथा कर्मचारी धर्मघट जारी रही बेले शिक्षा अनुष्ठानगुड़िक पाठपढ़ा संपूर्ण भाव बंद रही। दरमा वृद्धि सहित पेंशन लाभ करवा योग्य बेचित कलेजगुड़ अनुदान परिसरभुक्त कर चाकरी शर्तावली और अवसरकालीन समस्त सुविधा सुजोग प्रदान करने पूर्व प्रस्तुति मुताबक सप्तम वेतन कमिशन लागू करवा बकेया दरमा प्रदान करवा चाकरी कार्यकाल को 60 रु 62 वर्ष को वृद्धि करने आदि विभिन्न दावी को नहीं गत अक्टोबर मस 16 तारीख पक्ष बेसरकारी महाविद्यालय तथा स्कूलगुड़िक बंद रहता बेले अध्यापक अध्यापिका शिक्षक शिक्षयित्री मैंने राजधानी राजरास्त बस धारणा देखा बेले छात्र छात्री पाठपढ़ा संपूर्ण भाव ठप हो पड़ी। युक्त दुई छात्र छात्री मैंने नाम लिखा आज जाए कलेज पिंडा माड़क सक्षम हो पारे ना अंपटे युक्त दुई तृतीय वर्ष छात्र छात्री बोर्ड परीक्षा आउ कई मस रही बेले 38 दिन धरी कलेज बंद रहा फल पाठपढ़ जो समस्या उपजुच्ता भरणा करें कलेज कर्तृपक्ष कौन पदक्षेप नौ सरकार निज पा बेसरकारी कलेज आडमिशन कर पश्चाताप करने छड़ा अन्य कौन उपाय ना अभिभावक मानते। मयूरभ जिलार सारसकणा ब्लकर शरतपाड़ा महाविद्यालय बांगीरपोषी ब्लक विनोदिनी महिला महाविद्यालय दूरप्रभा महाविद्यालय विशोईर गौरीशंकर महाविद्यालय मणदा महाविद्यालय प्रभृति प्रभावित होता देखा मिली। एभली परिस्थिति में बहु अभिभावक निज पिलार एडमिशन ट्रांसफर कर अन्य कॉलेज को नेबाक चेष्टा करने शिक्षा विभाग को आंगुली निर्देश कर। दीर्घदिन पूर्व अगस्त 16 तारीख पाखु विभिन्न बेसरकारी महाविद्यालय चली जन आंदोलन विभिन्न बेसरकारी स्तर में जो स्कूल एवं कॉलेज रही शिक्षक शिक्षयित्री एवं अध्यापक अध्यापिका मैंने बसी राजधानी राजरास्त मात्र सरकार ए बाबद आज जाए पदक्षेप ने किंतु यार सीधा सड़क प्रभाव पड़ी अंचल जो गरीब छात्र छात्री बा जो साधारण छात्र छात्री मैंने पाठ पढ़ुं अव्यवस्था कहले न सर। 23 सेप्टेम्बर मयूरभंज सीमांत जामदा थाना मधुपुर गांव में डाहाणी सन्देह युवक जनक तीर कुराड़ी माड़ कर दुई महिला दुई जन को हत्या कर जे गुरुतर अवस्था रायरंगपुर हस्पिटाल भर्ती होती उन्नत कांड बिहार युवक थाना आत्मसमर्पण करे प्रकाश था कि मधुपुर गांवर बासेन भास्कर प्रथम स्त्रीर पुओ श्याम भास्कर तीनोटी गर्भस्थ संस्थान नष्ट या से किसी दिन मानसिक चिंतित थे तार मन में अंधविश्वास रही है जार सापत माँ जवा बास्के आउ गाँव दुईज महिला कार्मी मुर्मू और सुरुजु हेम्र डाहाणी हो मोर गर्भस्थ संस्थान को नष्ट कर देखते शेष आज तार पित्त चरम सीमा को टपी जाता प्राय 11:12 मध्य तार सावत माँ को अंटार तीर माड़ करमी मुर्मू और घर को जा तीर माड़ मारे कुराड़ी में चोट मारी हत्या करके संतुष्ट न हो से दौड़ी जा खड़े धान कम कर सूरज हेम्र को कुराड़ी में हत्या कर सुनापिला भाई थाना आत्मसमर्पण कर पुलिस आईसी सुदर्शन गांगई घटनास्थल पहुंची तदंत कर। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिनिकिया ओडिशा गस्तर आसी तालचेर विक्रमपुर तालचेर सारकारखाना भित्तिप्रस्तर स्थापन करते कार्यक्रम में ओडिशा राज्यपाल गणेश लाल मुख्यमंत्री नवीन पटनायक केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री प्राकृतिक बाष्प दक्षता विकास और उद्यता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्र आदिवासी व्यापार मंत्री ज्वेलाराम ढेंकनाल सांसद तथागत शतपथी विधायक ब्रजकिशोर प्रधान प्रमुख उपस्थित थे। अवसर में प्रधानमंत्री कहते हैं प्रकल्प में प्राय 13,000 कोटी टंका खर्च कर आसंता 36 मास मध्य योजना संपूर्ण हो आधुनिक प्रजुक्ति कौशल उपयोग में कोईलू प्राकृतिक बाष्प उत्पादन हो यह बाष्प को व्यवहार कर रासायनिक सार प्रस्तुत हो प्रस्तावित सार कारखाना प्राय 4,000 लोक कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री कहते ओडिशा और देश के चाषी यह सार कारखाना द्वारा उपकृत होते हैं विदेश यूरिया आमदानी होती देश को विपुल वैदेशिक मुद्रा खर्च करने पड़ी तालचेर सार कारखाना द्वारा ओडिशा और देश के चाषी मान आशा और चाहिदा पूरण हो एसत विदेश यूरिया आमदानी कमी। मोहना थाना अंतर्गत चांदीपुर निकटस्थ चिकक मेरा निकटे चांदीपुर मोहना आसुवा एक अटो गछ को पिटवे अटोरे बसीता 11 जन आहत होगा समेत 3 जन गुरुतर आहत होती गुरुतर मैंने पद्मपुर ग्रामर मनोज गौड़ कदमचुआ ग्रामर उत्तम नायक और कालियापटा ग्रामर बाया दलई गुरुतर मानक अधिक चिकित्सापी ब्रह्मपुर बड़ डाक्तरखाना को पठाई जमापड़। थुआमूल रामपुर ब्लक स्थानीय खंडवाल खेलपड़िया थुआमूल रामपुर ब्लक बीजेडी दल तरफ नुआखाई भेटघाट उत्सव 2018 अनुष्ठित हो मां माणिकेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना शेष होगा पर मां माणिकेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना शेष पर मंच में पहुंची मंच में फिताकाटी मंच को उद्घाटन करते अवसर में लांचीगढ़ निर्वाचन मंडली विधायक श्री बलभद्र माझी मुख्य अतिथि भाव में जोगदेता बेले सम्मानीय अतिथि भाव में भवानीपाटना सदर विधायक श्री अनाम नायक धर्मगढ़ निर्वाचन मंडली पुष्पेन्द्र सिंहदेव जिला बीजेडी सभापति समेत थुआमूल रामपुर ब्लक अध्यक्ष श्री शांति माझी उपाध्यक्ष श्री गोविंद प्रधान पश्चिम ओडिशा विकास परिषद सभ्य श्री माणिक चंद्र नायक प्रमुख उपस्थित थे।
ଖୁଦୁରି କୁଣି ଓଷା କରି ଭାଇର ଶୁଭ ମନାସୀ ଭଉଣୀମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଭାଇମାନଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସୀ ଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି ଭଉଣୀ ତପୈକୁ ଭାଇମାନେ ଭାଉଜ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ମାର କୃପାରୁ ଭାଇମାନେ ଫେରିଆସି ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ଘର ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ସହ ନାକ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଜିକାଲି ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ମନାସୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ହୋଇଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ତାହାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିଛି, ଯାହାପାଇଁ ଆଜି ବି ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହ ଏହି ଓଷା ପାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ତପ ଏହି ଗୀତିନାଟ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା, ଯାହାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ର ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ସବୁ ଝିଅମାନେ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସୀ ଏହି ଓଷାଟି କରିଥାନ୍ତି। ସବୁ ରବିବାର ସକାଳୁ ଉଠି ଫୁଲ ତୋଳିଥାଏ, ତାପରେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥି କରି ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ବାଲୁଙ୍ଗା ଦେଇଥାନ୍ତି, ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବାଲୁଙ୍ଗା ଦେଇ ସେଠାରେ କାଠି ମାନେ ସବୁ ଚାରିପଟେ କାଠିକୁ ଭୂତପତି କରି ଭାଇର ମନ ବରାସି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ରାତିରେ ସେଦିନ ତପଇ ନାଟକ କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ମାନେ ଭାଉଜ ମାନେ ବଡ଼ ଭାଉଜ କିପରି ଭାବେ ତପଇକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସାନ ଭାଉଜ କିପରି ଭାବେ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାଇମାନେ କିପରି ଭାବେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ନାଟକଟି ଆମର ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ରାତି ରାତିରେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସିବା ପାଇଁ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମର ସାଧାରଣ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିରେ ମାତ୍ର 20 ଜଣ ପିଲା ହେଲେ 20 ଜଣ ଝିଅ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ରାତି ସାରା ନଶୋଇ ଠିକ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ସେମାନେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଫୁଲ ତୋଳିକି ସେମାନେ ଫୁଲ ଆଣିସାରିଲା ପରେ 3ଟା ରାତି ସେମାନେ ଫୁଲ ଆଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚିସାରନ୍ତି। ତାପରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି କି ନ ନିଅନ୍ତି, ଠିକ 5ଟା ବେଳକୁ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ତାପରେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ସରି ବହୁତ ସାଜସଜ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ସବୁ ବାଳିକାମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଆସି ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ଗୁନ୍ଥି କରନ୍ତି। ଟଗର ପତ୍ର ଆଣିକି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ଫୁଲ ଆଣିକି ମାଳ ଗୁନ୍ଥାନ୍ତି, ଆମ୍ବ ତୋରଣ ଦିଅନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳ ଦିଏ ସାରି ମୁରୁଜ ପକାନ୍ତି। ରାତିରେ ଏଠି ତପଇର ଏକ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ହୁଏ।